शहर में लगातार गांजे की तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं, जहां बड़े पैमाने पर आरोपियों द्वारा गांजा शहर में सप्लाई किया जा रहा है। पर इन बढ़ते मामलों पर भी पुलिस ने धरपकड़ तेज कर दी है, जिसके चलते आरोपियों को तेजी से गिरफ्तार किया जा रहा है। इसी तरह शहर की क्राइम ब्रांच यूनिट 4 की टीम ने मंगलवार दोपहर को बड़ा ताजबाग परिसर में गांजा बेचने के लिए आए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों ही आरोपी हसनबाग निवासी बताए जा रहे हैं। इन आरोपियों को गांजा सप्लाई करने वाले फरार आरोपी शेख आसिफ की गिरफ्तारी अब तक बाकी है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। जानकारी के मुताबिक क्राइम ब्रांच यूनिट 4 की टीम को गुप्त सूचना मिली कि बड़ा ताजबाग परिसर के SBI बैंक के सामने 3 आरोपी गांजे की छोटी छोटी पुड़िया बनाकर बेचने के लिए आ रहे हैं, जिसके चलते पुलिस ने जाल बिछाया और मौके पर पहुंचकर रंगे हाथों आरोपी अकबर सादिक अली उम्र 24 वर्ष, शहबाज हनीफ खान उम्र 30 वर्ष और शेख तौसीफ नसीर खान उम्र 26 वर्ष को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपी हसनबाग निवासी बताए जा रहे हैं, जहां से इससे पहले भी हाल ही में गांजा तस्करी का मामला सामने आया था, जिसमें एक सब्जी विक्रेता गिरफ्तार है। पुलिस ने इन आरोपियों को हिरासत में लेकर इनसे करीब 1 किलो 900 ग्राम गांजा बरामद किया है, जिसकी कुल कीमत 29,850 रुपए बताई गई है। इसी के साथ ही पुलिस ने आरोपियों से 3 मोबाइल जिनकी कीमत 41,000, 2 मोपेड वाहन जिनकी कीमत 1.5 लाख सहित नकदी 1,730 रुपए सहित कुल 2,22,580 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया है। जब पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की तो जांच में सामने आया कि इतनी बड़ी मात्रा में गांजा इन्हें बड़ा ताजबाग निवासी शेख आसिफ नामक आरोपी ने सप्लाई किया था, जो कि फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार तीनों ही आरोपी गांजे की पुड़िया बनाकर बेचने वाले थे, जिनके इरादे पर पुलिस ने पानी फेर दिया है। कल गुन्हेशाखा यूनिट क्रमांक 4 पथक पेट्रोलिंग करत असताना त्यांना एक माहिती मिळालेली होती। ताजबाग SBI कॉलनीच्या SBI बँकेच्या समोर 3 इसम हे संशयास्पद रीतीत तिथं आहेत अशी माहिती मिळाली होती। त्यावरून आमची टीम तिथं गेली असता त्या लोकांना पंचासमक्ष जाऊन थांबून चेक केले असता त्यांच्याकडं संशयास्पद वस्तू मिळून आल्या। त्यांना युनिट क्रमांक 4 कार्यालयात घेऊन आलो। त्याच्यानंतर आम्ही त्यांना सविस्तर झडती घेतल्यानंतर त्यांच्याजवळ आम्हाला जवळपास 2 किलोच्या जवळपास गांजा, 3 मोबाईल आणि त्यांचे मोपेड असं एकूण 2,22,000 मुद्देमाल आम्हाला मिळून आलेला आहे आणि त्या 3 आरोपींना आम्ही अटक केलेली आहे। यामध्ये जे अटक केलेले आरोपी आहेत त्याच्यामध्ये एक अकबर सादिक अली हसनबागचा आहे, त्याच्यानंतर शहबाज खान हा देखील हसनबागचा आहे आणि शेख तौसीफ हा देखील हसनबागचाच राहणार आहे। या तिघांना ज्यावेळेस आम्ही विचारपूस केली त्यावेळेस त्यांनी सांगितलं की या तिघांनाही जो माल सप्लाय करत होता तो मुख्य आरोपी शेख आसिफ नावाचा आहे, तो ताजबाग नागपूर येथे राहतो, तो आम्हाला मिळून आलेला नाही, त्याचा देखील शोध घेत आहोत आणि तिन्ही आरोपीला अटक करून त्यांना पुढील तपासकामी शक्करदरा पोलीस स्टेशनच्या ताब्यात देण्यात आलेले। यापूर्वीचा रेकॉर्ड अजून तर यांचा दिसून आलेला नाही, पण यांचं रेकॉर्ड पाहणी करतोय की यांच्यावर अजून काही NDPS सारखे काही गुन्हे दाखल आहेत का, आणि जो फरार आरोपी आहे त्याचा देखील कसून शोध आम्ही घेत आहोत। सध्या या लोकांचं म्हणजे असे मोलमजुरी करूनच काम करतात हे लोक, विशेष असं काही धंदा असल्याचे अजून काही यांचं विशेष असा बिझनेस कोणता आहे अशी काही माहिती अजून प्राप्त झालेली नाही, ते तपासामध्ये पुढे निष्पन्न होईल। NBCN न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्सा अंसारी की रिपोर्ट।